ये तमाशा बना रखा है तुम लोग। नहीं सर, जहाँ कहें वहाँ ले रहा था पैसा। नहीं सर, इसके जो भी है ये सब पंखा निकाल दो। बीसों पंखा रखा है, हर बेड पे लगा सकते हो। एसी है, एसी लगने के लिए पाया होगा। लग रहा है। नहीं लग रहा है, वो कैसे लग रहा है मुझे मालूम है ना, कल जब मैं खड़े होकर लगाया तब लग रहा है। ये सब भी लगेगा। सुना आपने, जनपद बलिया का ये जिला अस्पताल है जहां हर रोज भीषण गर्मी की वजह से कई लोग दम तोड़ दे रहे हैं, जहां मौतों के बढ़ते आंकड़ों को देखकर प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन कान के तेल डालकर खर्राटे मार रहा है। दरअसल बलिया में गर्मी के कहर से अब करीब 55 लोगों ने अस्पतालों में दम तोड़ दिया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी लगातार अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। इस कड़ी में डीएम रविंद्र कुमार ने अचानक जिला चिकित्सालय के स्टोर रूम का औचक निरीक्षण किया, जहां अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही को देखते ही कर्मचारियों पर भड़क उठे। एसी है, एसी लगने के लिए पाया होगा। लग रहा है। नहीं लग रहा है, वो कैसे लग रहा है मुझे मालूम है ना, कल जब मैं खड़े होकर लगाया तब लग रहा है। ये सब भी लगेगा। दरअसल स्टोर रूम के निरीक्षण में डीएम को भारी मात्रा में एसी, पंखे और स्ट्रेचर मिले, जिसको देखकर भड़के डीएम ने पूछा कि 15 एयर कंडीशनर और इतनी संख्या में स्ट्रेचर यहां क्यों पड़े हैं, अब तक इन सब को क्यों नहीं लगाया गया। वहीं दूसरी ओर वार्ड में साफ सफाई को लेकर जिलाधिकारी ने सफाई करने वाले ठेकेदार को फोन करके कहा, तुम्हारा ठेका तो निरस्त होगा ही, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाऊंगा। देखिए, मेरे द्वारा लगातार जिला अस्पताल बलिया का निरीक्षण किया जा रहा है और यहाँ की जो व्यवस्था है उसको और बेहतर किया जा रहा है। कल भी कई कूलर और एसी लगवाए गए थे, आज और एसी बढ़ाए जा रहे हैं और यहाँ सारा स्टाफ, डॉक्टर, दवाएं सभी उपलब्ध हैं। किसी को कोई समस्या अब यहाँ पर जिला अस्पताल में नहीं आएगी और कोई समस्या नहीं। चेक किए तो एसी, पंखा और कूलर तमाम स्टोरेज है, एक महीने से पड़ा हुआ है। हाँ, आज मेरे द्वारा यहाँ के जिला अस्पताल स्थित स्टोर का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ एसी और बेंच इत्यादि पाए गए हैं। सीएमएस को मैंने कहा है कि उन सभी एसी को आज ही इंस्टॉल कराएं और ये जो बेंच इत्यादि हैं उन सबको लगवा दें, ताकि जन सामान्य को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। वहीं सीएमएस से जब जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों और इलाज के दौरान हुई मौतों के आंकड़ों के बारे में जब मीडिया के लोगों ने सवाल किया तो सीएमएस आंकड़ा बताने से बचते नजर आए और सिर्फ इतना ही कहा कि मरीजों की संख्या कम हुई है। ये ऐसे ही लग रहा है, सारा रेयर इन्फेक्शन हो गया, हर चीज सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब साधारण, आम साधारण। आपको आंकड़ों की जानकारी नहीं? अभी नहीं, सारे जानकारी है मुख्य चिकित्सा अधिकारी को। आपको नहीं? नहीं, हमको है, हमने भेज दिया। लेकिन वो सर जो आपको जो बोलेंगे वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही बोलेंगे। 4 बजे फिटिंग होगा, परसों भी तो हमें इसके बारे में जानकारी, आज भी नहीं हुआ, आपके सामने नहीं, तो हमारे पास जानकारी नहीं है। हम लोग माना जाए कि आंकड़ा बढ़ रहा है मौत का, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से संपर्क करेंगे। कोई सवाल तो अब ये है कि प्रशासन इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है, जहां गर्मी की वजह से इतने लोगों की जानें चली गईं, वहां जिला अस्पताल प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। देखना है कि क्या अब डीएम की फटकार के बाद अस्पताल प्रशासन जागता है या यूं ही खर्राटे भरता रहता है। पंजाब केसरी के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।